अभी हम लोग घर के पीछे आ गए। अभी ना सलमान के लिए बहुत ही स्पेशल केक बनाने वाले हैं हम लोग। पहला जो लाल मिट्टी ना, इसको अभी हम लोग घोल करके एक पेस्ट बनाने वाले हैं और उससे हम लोग केक बनाने वाले हैं। और यही मौका है गाइस हम लोगों के पास कि उसके साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो चलिए अभी फटाफट से ना प्रैंक केक बना लेते हैं। अरमान मदद कर रहा है बनाने में। देखिए कुछ इतना सारा मिट्टी का हम लोग अभी केक बनाने वाले हैं। फाइनली केक बन करके रेडी है। और गाइस देखिए क्या खूबसूरत लग रहा भाई केक। कैंडल गाइस, यास्मीन का कैंडल। केक बनाए थे ना हम और अरमान मिलकर, यास्मीन भी आई थी। तो ये रहा कुछ केक, आप देख सकते गाइस इसमें मस्त सलमान लिखा हुआ है। हम लोग एक्स्ट्रा डब्बा लेकर के आ गए थे वहाँ से। ये है ओरिजिनल वाला केक, जो भी उस दुकान में सबसे बढ़िया केक था वही वाला केक लेकर के आया अरमान। गाइस सबसे अच्छा वाला केक लेकर आया। सलमान को फटाफट से केक कट करवाते हैं। तो गाइस सलमान का केक निकल रहा। हे गाइस क्या हाल चाल, उम्मीद करते कि सारे लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, आज का ब्लॉगिंग 2 बजे से कंटिन्यू करते हैं। गाइस आप लोगों को बोले थे ना कि बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, वो आज भी नहीं आया। पता नहीं क्या मेरे मतलब क्या दिक्कत है यार, ऑनलाइन वाला डिलीवर ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा पता नहीं, शायद बहुत बड़ा सामान है इसलिए डिलीवर नहीं कर रहा, लेट कर रहा जानबूझ करके, पता नहीं अब कब आएगा। बाकी अभी ना चलना है हम लोगों को वापस से फील्ड के साइड, क्योंकि जो गोईठा था ना वो सूख गया पूरा प्रॉपर। उस दिन आधा लेकर के आए थे, आज वापस से आधा लेकर के आना है। तो अभी चलिए चलते हैं। सारा और मम्मी ऑलरेडी जा चुकी है, तो अभी हमको स्कूटी लेकर के जाना होगा। और जितना भी गोईठा वो लोग बोरा में भरेंगे ना, बस बोरा से हमको उठा करके स्कूटी से घर के जस्ट सामने ला करके रख देना है। हम जब गोईठा ला करके रख देंगे तो फिर मम्मी लोग उसको घर के अंदर डाल देगी। तो चलिए अभी चलते हैं। सारावाजी जस्ट बोरा ले लिए और वहां पे ना वापस से मुर्गी का नया नया बच्चा हुआ, तो सारावाजी देख रही है। यास्मीन पता नहीं क्या कर, क्या बना रही है, क्लिप, हेयर क्लिप। किधर से देख ली हेयर क्लिप बनाने का, पूरा प्रोसेस अभी बन जाएगा उसके बाद देखेंगे। गाइस ये नहीं जा रही हम लोगों के साथ में गोईठा उठाने के लिए, जाएगी कि नहीं जाएगी जल्दी बताओ। चलो 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 इसको आ करके बनाना। गाइस आज वैसे ना सलमान का बर्थडे भी है, सलमान के लिए भी सरप्राइज प्लान करना है, वो देखते कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे उसके लिए। और ये देखे मस्त छोटा छोटा बच्चा हो गया गाइस वापस से घर में, ये देखे। अरे गोल गोल क्यों घूम रहा है। वापस से हम लोगों के घर में बहुत सारे छोटे छोटे मुर्गी का बच्चा हो गया, मतलब ना अनलिमिटेड बच्चा होया जा रहा है इस बार, है ना ऐसा, मतलब नॉन स्टॉप बच्चा, बस बच्चा, जितना मुर्गी सब बच्चा दे रही, जितना मुर्गी सब अंडा दे रही सबसे बच्चा निकल रहा, बहुत सारा बच्चा हो गया गाइस लिटरली बहुत सारा। गोईठा उठाने सलमान के लिए क्या सरप्राइज प्लान करेगा, सलमान के लिए क्या प्लान करेगा, केक लेकर कहेंगे बस ऐसा नॉर्मली प्रैंक हो जाएगा, कुछ तो प्लान करना होगा ना। मिट्टी का केक, हाँ ये आइडिया सही है गाइस। हम लोग सोचे थे सुबह में मिट्टी का केक बनाने का, तो अभी देखते हैं मिट्टी का केक बनाएंगे। वैसे सलमान रूम में इसलिए धीरे बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए अभी फटाफट से चलते हैं, जितना भी गोईठा है ना सब लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि वो लेकर के आएंगे फिर हमको मार्केट जाने का टाइम मिलेगा। तो फिर सलमान के लिए उधर से केक लेकर के आएंगे, फिर उसको ना प्रैंक करने के लिए ना मिट्टी का केक बनाएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मिट्टी का प्रैंक कर देंगे या फिर कुछ देखते गाइस, कुछ अच्छा सा प्रैंक करते हैं। फाइनली अभी हम लोग फील्ड पहुंच गए और जो भी यहाँ पे गोईठा आधा बचा हुआ था ना उसको अभी घर लेकर के जाना है। और उसके बाद सलमान के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करना है, वो भी करते हैं अभी। तो जो भी गोईठा है ना मम्मी उसको फटाफट से बोरा के अंदर तो डाल दिए, बस अब लेकर के जाना है इन लोगों को। बाकी हम लोगों का जितना भी गोईठा था वो खत्म हो गया, बस इतना ही है जो भी है। उस दिन आधा लेकर के गए थे और आज आधा लेकर के जाना है। तो चलिए अभी फटाफट से सारा गोईठा को लेकर के जाते हैं और बस वहाँ घर के सामने रख देना है, फिर मम्मी इसको घर के अंदर कर देगी, है ना मम्मी। चलते फिर लेकर के जा रहे हैं, जल्दी जल्दी भर ले गाइस। हम लोगों को बस 2 से 3 बार आना होगा स्कूटी में और फिर काम हो जाएगा। तो 2 को आगे रख लेंगे, 2 को अरमान हाथ में पकड़ लेगा दोनों साइड से, तो ऐसे करके जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट से इन लोगों को इकट्ठा करते हैं और लेकर के कुछ हम लोग वहां से बोरा ला करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं बस घर के जस्ट सामने। 2-3 बार लेकर के गए और ये तीसरा राउंड है या फिर चौथा राउंड है, ये चौथा राउंड है। और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी गोईठा था ना सारा का सारा खत्म हो गया। सारा बाजी एक बोरा लेकर के जा रही है, अरमान इधर भी एक पकड़ा है, एक इधर भी पकड़ा है, हम एक वहाँ पे भी लगाए एक यहाँ पे भी, ऐसा करके ना हम लोग 2 से 3 बार लेकर के जा चुके हैं ऑलरेडी, ये चौथा बार है। और ऐसे लेकर के जाएंगे और खत्म हो गया, देख सकते हैं। तो चलिए अब करते सलमान के लिए कोई प्लान। फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं और अभी ना हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान करने वाले। वैसे सलमनु तो यहीं पर यास्मीन ने इतना ज्यादा मेहनत की और देखिए एक क्लिप बना करके रेडी कर दी, इसको अपने बालों में लगाएगी यहाँ पे ऐसे करके, देखे घर में ही बना दी क्लिप। 10 रुपए लगाने के चक्कर में ना घर में एक कपड़ा 45 रुपए का मिलता है। गाइस यासिन पैसे बचाने के चक्कर में फ्री का घर में बना ली खराब कपड़े से। तो ये गाइस इसका कुछ क्लिप। चलिए अभी हम और अरमान चलते पीछे, कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। अभी ना सलमान के लिए बहुत ही स्पेशल केक बनाने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग मार्केट नहीं गए खरीदने के लिए, वैसे जाना पड़ेगा मार्केट भी खरीदने, पहले उसको ना सरप्राइज करेंगे फिर उसको असली केक देंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करने वाले, इसमें ना मम्मी मिट्टी ला करके रखी है, तो ये वाला कुछ लाल मिट्टी, एक सेकंड दिखा, ये वाला जो लाल मिट्टी ना इसको अभी हम लोग घोल करके एक पेस्ट बनाने वाले और उससे हम लोग केक बनाने वाले। तो केक के लिए ना हम लोग ये भी किए हैं, इसको पहले मिट्टी को निकाल लेते हैं जो कि मम्मी इसके अंदर रखी है, या पहाड़ से लाई है मम्मी। ज़्यादा बड़ा भी केक नहीं बनाना है, एक छोटा सा केक बनाना है। चल उसके लिए ना सरप्राइज प्लान कर रहे हैं गाइस हम लोग, मस्त केक का प्रैंक करेंगे। केक प्रैंक, केक के जगह उसको मिट्टी मिलेगा गाइस सबसे पहले, और फिर बाद में जाकर केक मिलेगा। हर प्रैंक हम लोग कर चुके हैं और केक का प्रैंक कभी नहीं किए थे, इसलिए अभी हम लोग केक का प्रैंक करने वाले। अरमान देख वहाँ पे कटोरा है, उसे घोल कर सकता है। चलो हाँ बस इतना ही, साथ में इसमें पानी लेकर के आ जाते हैं हम। थोड़ा सा पानी लेने आए तो देखिए यास्मीन इसके लिए बना दी
इसको सलमान को कर दे ये वाला गिफ्ट, सलमान का गिफ्ट कर दो। गाइस आप लोग कमेंट में बताइए ये क्लिप कैसा बनाई यास्मीन, कुछ ऐसा लग रहा देखने में, कितना बड़ा लग रहा भाई देखने में। रुक जाइए हम पानी ले रहे थे, तो गाइस हम पानी ले रहे हैं। इन लोगों को देखिए ऐसी लग रही है कुछ यास्मीन बनाई गाइस घर में। आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, यास्मीन नया नया बना करके दे देगी। कौन कौन सा कलर का बना सकती है, ठीक है। पानी मिला देते हैं अभी मिट्टी में और इसको ना थोड़ा गीला होने देते हैं और फिर बनाएंगे इससे केक। ये लेकर के आ गए, इसी में रखने वाले हम लोग मिट्टी और कुछ ऐसा गोल कलर का कूट को हम लोग काट रही है और इसी के ऊपर अभी केक बनाने वाले हम लोग। हम लोग ना घर के पास बना रहे थे, वहाँ पे ना शक हो रहा था कि सलमान को पता लग जाएगा, इसलिए भी हम लोग घर के पीछे के साइड आ गए, मतलब जस्ट खेत के पास आ गए। अब यहाँ से सलमान को पता लग भी नहीं सकता है क्योंकि सलमान रूम के अंदर है। पता नहीं गाइस उसको चक्कर वक्कर लग रहा क्या क्या और उसके साथ पता नहीं, तो इसलिए वो आ भी नहीं रहा, मस्त घर में सोया हुआ है। और यही मौका है गाइस हम लोगों के पास कि उसके साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो चलिए अभी फटाफट से ना प्रैंक केक बना लेते हैं क्योंकि अरमान मदद कर रहा है बनाने में। तो देखिए कुछ इतना सारा मिट्टी का हम लोग अभी केक बनाने वाले हैं, चल स्टार्ट कर दे बनाना। अरे ये तो ऐसे ही इतना मस्त हो गया गाइस, देख रहे पहाड़ का मिट्टी कितना टाइट हो गया, तुरंत जल्दी केक बना। थोड़ा सा बालू मिला था, केक का शेप मिला। हाँ रुक जा, तो गाइस थोड़ा सा ना बालू मिला देते इसमें। अरे बहुत चलो अभी हम लोगों के साथ यास्मीन ज्वाइन हो गई। अरे उसका मोमबत्ती बनाना है, कैंडल बनाएंगे उसका। देखिए गाइस अरमान कुछ ऐसा गोल कर लिया पूरा, अब इसके ऊपर रखेगा डायरेक्ट ऊपर से चीप देगा तो केक बन जाएगा। चल रख उसके ऊपर, तो गाइस ये रख दिया और ऊपर से दाब करके अभी केक बन जाएगा। तो गोल भी हो गया साथ में केक भी बन गया गाइस, ये देखिए केक। चल अब कैंडल का शेप देते इसको बस, देखिए तो सलमान बता दे। अरे तो पागल, एक केक फेक रखेंगे इसको डब्बा के अंदर भर करके देंगे ना, आया समझ में। बहुत भारी है। फाइनली केक बन करके रेडी है और गाइस देखिए क्या खूबसूरत लग रहा भाई केक। कैंडल कैंडल गाइस, यास्मीन का कैंडल। ओ भाई साहब, ला 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 कैंडल दिखा, कैंडल दिखा गाइस। देखे यास्मीन कुछ ऐसा कैंडल बनाई है, कैंडल नहीं कैंडला है, क्या है रे? कैंडल है गाइस, देखिए कैंडला पटाखा लग रहा है, कैंडल कम पटाखा ज्यादा। ओ भाई साहब क्या बना दी रे, छोटा छोटा कैंडल बना तीन चार। तो केक तो बना रहे थे हम लोगों का केक मस्त बन गया, दो कैंडल भी लगा दिए। और यास्मीन को देखिए क्या बना दी, क्या बनाई है गाइस, ये कौन सा जानवर है आप लोग कमेंट में बताइए। बनाया नहीं है, सुअर के जैसा दिख रहा है, पर बनाया नहीं है, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे मिट्टी लिया ऐसे बन गया। अरे यार तुम ऐसा सुअर बना देती है रख करके मिट्टी। गाइस देखिए एकदम सुअर के जैसा दिख रहा है, ये देखिए गाइस ये आगे वाला मुंह लग रहा है सुअर का, ये सुअर का पूंछ है। अरे भाई सुअर बना दी यास्मीन, क्या कटोरा, उसमें तुम खाना खाएगी। Yes. तो गाइस यास्मीन बनाई है कटोरा, जिसको जिसको यास्मीन से जो जो चीज बनाना है यास्मीन को सब आता है। कटोरा बना देगी यास्मीन, बालों में लगाने वाला अपना क्लिप बना देगी, बहुत कुछ बना देगी। तो जिसको जिसको जो जो बनाना है प्लीज कमेंट में बता देना, आपको यास्मीन बना करके दे देगी, है ना, बना देगी ना रे। चलो आप चलते हैं फिर केक लाने के लिए, ओरिजिनल वाला यही वाला केक खिलाना होगा। अरे चलो ओरिजिनल ला लेते, बेचारा ऐसे ही मरने जैसा दिख रहा है, टपक उपक जाएगा, रो रो करके मर जाएगा। लोगों को पता है सबका बर्थडे ना मस्त होता है, मस्त एकदम मजे से मनाता है, पर सलमान का बर्थडे ना हमेशा रमजान में आ जाता है। बेचारा रमजान में बर्थडे ही नहीं मना पाता है, ना सेलिब्रेशन कर पाता अपना बर्थडे का। उसका बर्थडे अच्छा खासा होता ही नहीं, पिछला भी ब्लॉग देखेगा आपको उसका बर्थडे में मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसके बर्थडे के टाइम में ना सबको घर पे कोई नहीं रहता, मतलब ना मोनू रहता, ना जमील रहता, ना कोई सोनू भाई हो, मतलब कोई भी नहीं रहता, सब अपने अपने घर में चले जाते रमजान के टाइम में। और बेचारा का बर्थडे ऐसा फुसकी सा बन जाता है, पर हाँ इस बार हम लोग सोचे कुछ मतलब धमाकेदार प्रैंक करें उसके साथ, तो इसलिए अभी हम लोग मिट्टी का केक बनाए, क्योंकि हर प्रैंक हम लोग कर चुके हैं मिट्टी वाला किसी के साथ नहीं की, अगले बार नेक्स्ट टाइम गोबर वाला करेंगे किसी ना किसी के साथ, तो अभी मिट्टी वाला कर रहे हैं। तो चलिए अभी फटाफट से चलते मार्केट और फटाफट से एक चमचमाता केक लेकर के आते हैं उसके लिए ओरिजिनल, और एक डब्बा एक एक्स्ट्रा से ले लेंगे ताकि उसमें ये केक वाला जो फेक केक है ना उसको भर दे मिट्टी वाला केक, और बाकी ओरिजिनल वाला केक को छुपा के रखेंगे। चलिए चलते अभी फटाफट से। हम लोग तो सोचे थे कि फेक केक बनाएंगे, अरमान एकदम असली केक डेकोरेशन कर रहा है, देखिए इसमें नाम लिख रहा है सलमान का, SALMAN कर देगा, सलमान लिख देगा। भाई साहब अब तुम क्या बना रही हो, फुलझड़ी बना रही है, क्या बना रही है, सलमान को बना रही है। गाइस हम लोग सिर्फ केक बनाने आए थे, इन लोग कलाकारी करना स्टार्ट कर दिया। सलमान बनाएगा, बिना 4:30 बज गया, अभी जस्ट हम नमाज पढ़ने गए थे इसलिए केक लाने नहीं जा पाए, अभी जस्ट हम जाएंगे केक लाने के लिए। जैसे घर आए ना तो सारा लाजी बताया कि आज वो अंडे का कबाब बनाने वाली, अब पता नहीं कैसे बनेगा अंडे का कबाब, तो अभी सारा बाजी जस्ट दिखा रहे थे कि आ जाओ दिखाते तुमको अंडे का कबाब कैसे बनता है, तो जस्ट इसका देखते हैं रेसिपी। हर दिन ये ना नया नया रेसिपी ट्राई कर रही, तो आज अंडे का कबाब बनाने वाली, तो कैसे बनता है कबाब आइए जानते हैं इससे। तो बताओ कैसे बनता है कबाब,
अंडे का कबाब, इसको उबाल पहले दे। अंडे को इसने बॉईल कर लिया, ये देखिए गाइस अंडा पूरा उबाल करके एकदम मस्त गरम गरम अंडा है। उससे फिर क्या करना है, तो गाइस देखिए आपके पास घिसने के लिए कुछ भी रहेगा ना, तो उसमें ऐसे करके अंडे को आपको घिसना है और छोटा छोटा बारीक निकालना पड़ेगा। अब कहाँ से लाएगी वो बुआ पास से। के बाद क्या करना है वो बताओ। घिसने के बाद इसको घिस देंगे। आलू भी बॉईल की है साथ में, ठीक है। आलू और अंडे को साथ में घिसना है, तो गाइस इन दोनों को साथ में घिसना है। वो अभी सारावाजी घिसेगी। ये है गाइस अदरक का छोटा छोटा सारावाजी कट किए छुरी से, ये देखें। प्याज को भी जस्ट जैसे अदरक कटा है ना छोटा एकदम बारीक, वैसे प्याज को भी एकदम बारीक काटना है। उसके बाद ये पुदीने का पत्ता जो हम लोग घर के पीछे, तो सारावाजी उसको लेकर के आ गई। और क्या डालना है इसमें, मिर्च को भी छोटे छोटे स्टेप से काटेंगे गाइस। और गाइस मिर्च को भी छोटा छोटा एकदम बारीक, सबको बारीक काटना है, सब बारीक। और फिर सबको ना एक साथ मिला देना है इसके साथ। फिर नमक मिलाएंगे, हल्दी, नमक हल्दी और जितना भी मसाला है सब कुछ डालना है इसके अंदर। उसके बाद छोटा छोटा जैसे ये बनता है, क्या बोलते हैं इसको, टिकिया, टिकिया बनता है गाइस ऐसा गोल गोल, वैसे करके गोल गोल बनाना है। उसके बाद उसको छांक देना, फिर बन जाएगा अंडे का कबाब। और क्या बनेगा, और क्या क्या बनेगा बनाओ भी। तो चले गई सभी, हम फटाफट से चलते हैं और केक लेकर के आते हैं। अभी सलमान भी नमाज पढ़ने गए, हम जल्दी गए नमाज पढ़ने, जल्दी से नमाज पढ़े और दौड़ करके भाग करके आए। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से केक लाने के लिए। और देखिए यास्मीन फूलों में पानी डाल, वही वाला रिबन पहन के गई जो आज वो बनाई है। चलिए एक अंडा आप लोगों को घिस करके दिखाते हैं, देखिएगा हाँ नीचे से कैसे टपकेगा। बस ऐसा ना इसके ऊपर रगड़ना है और ये मस्त घिस घिस के नीचे गिरेगा, ये देखिएगा इस। अरे नीचे आलू उलू है, हाँ तो आलू को भी घिसना है और फिर साथ में आलू को भी ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही घिसना है। देखिए करके आपको भी दोनों घिस लेना है, और जब ये घिस जाएगा ना तो आप उसको फिर दोनों को मिला करके फिर जितना भी आपको जितना भी बताए ना सब्जी के बारे में कि ये चीज डालना है, मिर्चाई हो गया, प्याज हो गया, ये वो पता नहीं क्या क्या था, पुदीना पता नहीं और क्या है, तो सब कुछ मिला करके इकट्ठा करके ऐसे गोल गोल बना लीजिएगा और उसके बाद उसको छाक देगा। अभी हम लोग निकल गए मार्केट के लिए केक लेने के लिए। चलिए फटाफट से लेते हैं सलमान के लिए कोई मस्त सा केक। और बाकी आप लोगों को पता है सिंपली सामने वाला उसी दुकान पे जाएंगे जिससे हमेशा लेते हैं, क्योंकि उससे ना सेट हो गया, हमेशा उसके दुकान पे जाते हैं, मस्त केक निकाल के दे देता वो। तो चलिए अभी फटाफट से चलते हैं। एक ये वाला केक पसंद आया और एक ये वाला तो नॉर्मली हर बार लेकर गया, ये कुछ अलग है, ये भी नहीं लेके गया, वो वाला छोड़ना उतना ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, ये वाला ले लेते, ये ब्लैक वाला दे दीजिए, ताजा है ना। अभी केक भी ले लिए और भी घर के लिए बहुत सारा सामान ले लिया, जैसे कि इस काले वाला प्लास्टिक में है पनीर, और साथ में हम लोग कुछ खाने के लिए ले लिए, पता नहीं क्यों खुदाई हो गया। और गई साथ में ले लिए आटा, घर में आटा खत्म हो गया था, मम्मी बोली थी आटा लेकर के आना, तो आटा भी ले लिए, और चिकन ले लिए, और क्या था यार अरमान, दादी माँ तेल, हाँ कहाँ दादी माँ तेल, तो गई ये रहा दादी माँ तेल, सरसों तेल भी खत्म हो गया था तो ये भी ले ली। मतलब हम लोग गए थे केक लेने के लिए और लेकर के आ रहे इतना सारा सामान। तो चलिए अभी जस्ट कुछ देर में मगरिब का अजान भी होने वाला है, तो नमाज भी पढ़ने जाना है और रोज़ा भी खोलना है। देखिए गाइस सूरज दिख रहा बहुत दूर में, दिख भी नहीं रहा यार, पूरा धुंधला धुंधला सा है। चलिए गाइस अभी चलते फटाफट से घर। देखिए इजमा ना उतने दिन से बस रो रही थी और आज आई है। अब देखिए काफी ज्यादा बड़ी हो गई इजमा, और इसका बाल देखिए जो टकली हुई था ना पूरा का पूरा बाल खड़ा खड़ा हो गया। बुआ बताई कि बुआ बताई कि ये टकली हुई थी ना तो इसका बाल ऐसा खड़ा खड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसके बाल सिल्की सिल्की है, है ना इजमा। इजमा बहुत बड़ी हो गई है, दो महीने का बड़ी हो गई। क्या हो गया अंडा टिकिया का, क्या हो गया अंडा का टिकिया फट रहा, अंडा का टकिया टिकिया फट नहीं लगा, पता नहीं लोग अंडा का टिकिया के साथ क्या हो रहा। अंडा का टिकिया को सराबाजी ऐसे बनाई है, अंडा का कबाब सॉरी टिकिया नहीं, ये गाइस अंडा का कबाब जिसको बनाने के बाद इतना उड़ाना इधर उधर, ये देखिए उड़ रहा था बाप, आप कभी भी नहीं बनाएंगे, किस्मत फट रहा था पूरा, देखो नहीं लो गाइस देखिए तेल का क्या हो गया, फट रहा है पूरा, कभी नहीं बनाएंगे आज के बाद। पहली बार बनाए गाइस, इतना जो हम लोग यहाँ पे छोड़ते थे अपना उधर भाग रहे थे, मम्मी भाग रही थी, पूरा उड़ रहा था। अभी रात के 8 बज चुके हैं और गाइस अभी ना प्रैंक करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो सलमान ना अभी उस वाले रूम पे, और अभी हम लोग करने वाले प्रैंक जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये देखिए गाइस हम लोग जो केक बनाए थे ना, हम और अरमान मिलकर के, और यास्मीन भी आई थी, तो ये रहा कुछ केक आप देख सकते गाइस, इसमें मस्त सलमान लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा मिट्टी का केक है, एक जड़ मिला था उससे अरमान डिजाइन भी कर दिया केक का, तो हम लोग एक्स्ट्रा डब्बा लेकर के आ गए थे वहाँ से, तो अभी हम लोग उस वाले डब्बा में केक को रख देते हैं। और ये है ओरिजिनल वाला केक, क्या जोर से मालूम, अच्छा सर ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग इस वाले डब्बे में केक को रख रहे हैं, मतलब ये नकली केक, पहले उसके पास नकली केक लेकर के जाएंगे और फिर ना असली केक को छुपा के रखेंगे, बहुत टाइम बाद लेकर के जाएंगे। चलिए अभी उसके साथ प्रैंक करते हैं, चल फिर चलते हैं, प्लास्टिक से इसको निकाल ले, इसको डाल ले, और छुरी भी लेके चल। मौसम से बहुत भारी है भाई, सो इतना ज्यादा भारी है ना, रुकना रुकना उसको रख साइड में रख,
अच्छा मैंने साइड में रखा, चलो उधर से उठा, छुरी रख दे इसके ऊपर ताकि ओरिजिनल लगे। सभी रूम के अंदर आ गए और अभी मस्त सलमान के लिए जो केक लेकर के आए थे वो भी लेकर के आ गए। सलमान को एकदम मस्त मस्त सा केक कट करने वाले, मतलब जो भी उस दुकान में सबसे बढ़िया केक था वही वाला केक लेकर के आया क्या अरमान, कहीं सबसे अच्छा वाला केक लेकर के आए। तो चलिए अभी सलमान को फटाफट से केक कट करवाते हैं, बाकी मम्मी पता नहीं किधर है, मम्मी सो गई, मम्मी का तबियत खराब है, अभी आएगी कि नहीं आएगी, पर मम्मी को बुलाए हैं, देखते हैं अगर मम्मी आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। तो कट कर लेते हैं फटाफट से केक, और मम्मी पता नहीं आ भी नहीं रही है। तो यास्मीन तेरा बर्थडे है क्या? रमजान में, अच्छा तो है भाई तेरा रमजान में बर्थडे आता है। हाँ गाइस रमजान में बर्थडे आने से ना एक दिक्कत है, क्या डांस वांस नहीं होगा ना ही कुछ होगा। तो चलिए अभी फटाफट से सलमान का केक निकालते और सलमान को केक कट करवाते, आजा। तो गाइस सलमान का केक निकल रहा, यो चाकू से कट करेगा, चाकू दिखा अपना। ओ भाई चलो केक केक खोलो, धक्का नहीं देने का, केक खोलो सलमान, नहीं नहीं आंख मत बंद करो, चलो फटाफट से केक खोलो। अरे भाई क्या क्या हैप्पी हैप्पी बिस्कुट वाला, हैप्पी हैप्पी बिस्कुट वाला काटो, मस्त क्रीम केक लेकर के आए हैं सलमान और इंडिया, क्रीम केक है भाई, कुकर में बनाई है मम्मी और हम लोग सबको मिल करके, चल जल्दी कट कर, मस्त लग रहा ना, पूरा चॉकलेट केक है पता है, मस्त लग रहा है, कैसे बना लिया? अरे घर में हम लोग कुकर में बनाए हैं। चलो केक कट करो, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, अबे तो कादू है बे, अब प्रैंक हो गया गाइस, गाइस कसम से लिटरली इसको देखिए ऐसा लग रहा ना कि इसको घर में बनाया चॉकलेट केक है भाई साहब, लग नहीं रहा प्रैंक किया भाई, एकदम खतरनाक किया है। देखिए गाइस ये देखिए ना एकदम लिटरली ऐसा लग रहा ना कि ये केक है, एकदम केक के जैसा लग रहा है गाइस, आप भी देखिए एकदम चॉकलेटी वाला केक लग रहा है, पर ये ना पूरा का पूरा मिट्टी है भाई साहब, पता नहीं था भाई। ये रहा सलमान के साथ जो मस्त प्रैंक हो गया, लो केक खाओ, खा लिखा गाइस सलमान के साथ मस्त वाला प्रैंक हुआ लिटरली, ये देखिए आप खुद कमेंट में बताइए ये आप लोगों को लग रहा है कि नहीं चॉकलेट वाला केक है, देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है, अरमान और यास्मीन मिलकर के बनाए, यही लेकर के आए थे हम लोग, बस खत्म, बस हम लोग मार्केट डब्बा लेने गए थे भाई, चलो अब सोते हैं गाइस, डांस वांस भी तो नहीं कर सकते ना क्योंकि रमजान चल रहा है, तो बस चलिए सोते हैं अभी, मस्त लोग केक बना लिया भाई, सॉलिड बनाया था हम लोग, चल चल चलते हैं, बहुत खराब किया क्या खराब किया भाई, भाई के बारे में सारा केक लिया था मेरे बारे में, हाँ तुम्हारे बारे में भी तो केक लेकर गए, केक नहीं है तो क्या है बताओ, तो केक नहीं है वो, बताओ एक बार बताओ केक नहीं है, रोने लग गया ना, रोने लग गया भाई, सब पे जो भी देखता मेरा मुखा पता है, तुम अपना बर्थडे में रो दी थी ना रे, तुम बहुत खराब है, क्या हो गया, सब सोच रहे तुम ब्लैक लेके आएगा बाजी के बारे में कैसे दुगो लगाता है, तो वो क्या हम लोग इतना मेहनत से बनाए, हम लोग का केक फेक था क्या, अभी लगता है लेता ही भी नहीं, हम लोग इतना अच्छा केक बनाए भाई, मिट्टी का केक इतना मेहनत करके, क्या जा रहे, अरे यार क्या केक बहुत ज्यादा मस्त है गाइस, ये केक इतना ज्यादा मस्त है ना कि सलमान इसको देख करके फर्स्ट टाइम में पता ही नहीं लगा पाया था कि ये नकली केक है, मम्मी खिला नहीं बोल रही, केक खिला दो मम्मी को, जा जा रहे रोने लग गया, अरे मत रो मत रो, चलो कोई बात नहीं, पिछला जब तेरा अगला बार बर्थडे आएगा ना उसमें मस्त सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है गाइस, ये वाला बर्थडे तो सलमान का खराब से गया, नेक्स्ट टाइम है ना अच्छा बर्थडे बनाएंगे, हम गुलाब गोश्त खाएंगे और सो जाएंगे गाइस, तो वो बोला केक लेके आया, हम बोले हां लेके आ गया, अब बोला हम ला दे, हम बोले मत लाइए, हम ला दिया, अरे भाई अब पापा क्या बोलेगा, अब तो फंस गए भाई, अरे तुम कुछ लिखो उखो मत समझी, बर्बाद कर रही झूठ मूठ का, सिल्वर प्ले बटन का कुछ 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 मत टच करो, उसमें जो है वैसे रहने दो, अब पापा क्या करेगा, ये वाला खिलाएगा पापा को गाइस, खतरनाक वाला सीन हो गया, पापा है ना सलमान से पूछे कि तुम्हारे लिए केक लेकर आया है कोई घर में, इमरान भाई या फिर कोई भी, तो सलमान बोला कि नहीं लेकर के आया है, मतलब लेकर के आया है, और पापा को लगा लेकर के आया, खाओ क्यों मार रहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहा, तो पापा इसको बोले कि हम ला देंगे केक, पर बोला कि इमरान भाई लोग लाने गए हैं तो आप मत लेकर के आइए, और असली का हम लोग नहीं लेकर के आए, इसके साथ सीन हो गया, कैमरा में मारा है भाई, देख लो कैमरा में सीधा मार दिया मिट्टी, देखो दिख भी नहीं रहा, देखो पूरा खराब कर दिया, कैमरा साफ कर दिया, हम देखे इमरान भाई कैमरा में,
आप दिख रहे हो कैमरा मेरा गंदा हो गया भाई, क्या पगला जैसा कर रहा है अगर लगा तो बहुत गंदा आवाज नहीं करा भाई, तो मट्टी में पागल खड़ो पागल ऐसे रखा है। केक नहीं खाई लो यही तो केक है मी। अरे मम्मी केक नहीं देखे, देखो मी केक, केक लाए सलमान के लिए। कैसा केक है? अच्छा है, लम्बाती यही केक लेकर के आए थे इसके लिए। हमको बहुत मार रहा चप्पल। देखिए केक का हाल बेहाल हो गया गाइस, इसके साथ मस्त वाला प्रैंक हो गया। इसको ना ऐसे अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ इतना गंदा वाला प्रैंक होगा, बट हम लोग मस्त प्रैंक किए। अरे मत बर्बाद करो साहब। देखिए गाइस, मम्मी आई थी अभी चल गई, बोले कि केक तो आया नहीं है, यही वाला केक आया है, इस वजह से मम्मी चल गई पापा के पास। मम्मी आई बोली जल्दी जल्दी केक कट करो, केक आया जब मट्टी दिखाए भाग गई मम्मी, बोलते भाई तुम लोग पागल है क्या क्या करता है। मम्मी भी चल गए, बेचारा सलमान रो रहा है, उसका मुंह भाई खतरनाक हो गया, अभी भी रो ही रहा। इसको शक्ल देखिए, खाली मजा ले रहा है। 12 बज गया, ये देखिए गाइस केक। अरमान 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 और मत रो, लाओ बेचारा बहुत रो रहा है, जल्दी लेकर के आओ। तो गाइस अभी सारा बजे जा रही असली वाला केक लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रो लिया बेचारा। चल अब टेंशन मतलब तेरे लिए केक ला दिए, चाकू मारते तेरा पेट में। तुम लाया फिर प्रेंग प्रेंग कर देगा। अरे सच में लाए हैं वे, नहीं करेंगे वापस प्रेंग, चलो टेंशन मतलब। अभी सारा बाजी फाइनली केक लेकर के आ गए, चलिए अभी इसको खोलते हैं वापस। प्रेंग कर ये दिया आपका कर फिर से प्रेंग, चलो चलो मेरे से तुम प्रेंग कर देना गंदा वाला। अरे क्या गंदा वाला प्रेंग है भाई, इसमें इसमें तुमको पता है क्या मिलने वाला है? गोबर वाला केक, पहले से बता दिए तुमको भाई। तुमको पता है ना मम्मी ली थी गोबर, वहाँ पे पीछे का साइड था, वहीं से हम लोग गोबर का केक बनाया। हाँ देखो ना अभी तुम चले गए, अभी वापस से इसको यहाँ से हटाते हैं। इस बार थोड़ा तुमको क्लासिक लगाने के लिए ना ऐसा किए, चलो खुद ताली बजा रहा, देखो खुद ताली बजा रहा है। सोचो तुमको इतना अच्छा कभी केक मिल सकता है? अब तुम इसको काटेगा जैसे खाएगा गोबर रहेगा इसके अंदर, सीधा गोबर। जैसे तुम इसको काटेगा और खाएगा तुमको सीधा गोबर मिलेगा। गाइस लगता है इमरान को पता था कि सल्लू फूल बहुत खाता है, इसलिए बहुत फूल ला दिया इस बार। हाँ हर बर्थडे में तुम बहुत फूल खाता था ना, गोबर के ऊपर फूल बिठाए हैं। अब तुम सोच लो कैसे तुमको गोबर खाना है। गोबर तुमको पहले काटेंगे से तुमको पहले? नहीं हम खाएंगे ही नहीं पहले, हम लोग जैसे तुम काटेंगे हम तुम लोग को खिला देंगे। ये रहा सलमान के लिए गोबर केक, अब सलमान इस गोबर केक को कट करने वाला है। पोटी केक, पोटी मतलब होता है तुम्हारा टट्टी, और गोबर मीन्स होता है गाय का टट्टी। तो चले गई अभी सलमान कट करने वाला, हाथ में उठा के कट कर, ज्यादा अच्छा लगे। चल तो गई ये इसके ऊपर नाम लिखा दिए सलमान का, सलमान चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फूल गायब कर दिया भाई, अरे पागल पहले क्यों खा रहा गोबर। गाइस देखिए इसके ऊपर से, अरे रुक जा भाई, फूल गायब हो गया। हम भी गोबर ने, क्या गोबर ने, गोबर नहीं है गाइस, सलमान का लाल कर देती है, हरा किया मम्मी। मम्मी मेरे सल्लू का लाल कर रही है, हो गया खिला दी मम्मी। लो सल्लू हम तुमको हरा कर देते हैं, हरा कर देते हैं अच्छा से। अभी हम लोग सबको सलमान को खिला देते हैं, बेचारे के साथ बहुत भयंकर वाला प्रैंक हुआ। गाइस हम भी खिला देते हैं, ये पूरा प्लानिंग में गाइस केक लूटने का। इतना चिल्ला क्यों रही रे? अभी ना एक हिस्सा कट कर देते हैं, जिसमें से आधा हम लोग रख लेते हैं, आधा दादी के घर में भिजा देते हैं, दादा लोग के पास। इसको फटाफट से कट कर देते हैं और ये पहुंचा देते हैं, आधा आधा, आधा हम लोग खा लेंगे, आधा दादी लोग के घर में। भयंकर सीन हो गया, सारा बाजी गुस्सा हो गई है, क्योंकि जब सारा बाजी ले रही थी यास्मीन बोलती कि सबसे ज्यादा केक यही लेता है, तो इसलिए देखे गए उसको, और सलमान कितना ज्यादा केक दे रहा भाई। ओ भाई साहब खा लो खा लो, कितना गुस्सा बनती है, ले लो ले लो भाई, पूरा गुस्सा हो गया है। लो हमको दे दो भाई, अरे हमको हमको खिलाया ही नहीं है, इसको इसको दे दो दे दो, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ले लो ला 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 हम खिलाएंगे, लो लो खा ले बाबू खा खा ले खा ले, ले खा।
लिखा ब्लॉग में सब दिख रहा है कि तुम हाथ मार रही थी। हाथ मार रही थी केक में, केक में सारा सारा केक बहुत गुस्सा कैसा दिख रही थी गाइस, बहुत गुस्सा में लग रही है अभी। सारा केक उठा करके यास्मीन का मुंह में मार रही लग तो रहा। ये तो लगा लगा के चाट रही, पूरा पूरा चाट ही है। अच्छे गुस्सा आ गए ना। अरे अभी देखेगा इसके हाथ में कितना केक है, मुंह में भी केक लगा हुआ है और खिलाया जा रहा है इसको। अरे खा लिया रे भाई, पूरा चालू है। राम भाई तुम्हारा ब्लॉग का मजा थोड़ा बना दिया, अब सब इसको निकाल। अरे खा रहा है गाइस, बाप रे बाप, पूरा खा रहा है भाई इसको, देख रहा है गाइस। इसको है ना सब चीज कुछ कुछ चाहिए, चाहे इसको कुछ भी दीजिए चाहे मत दीजिए, इसको केक दे दीजिए खाते रहेगी। बहुत खतरनाक है गाइस ये, दादी के घर पहुंचा दो। और मम्मी का तो है, मम्मी का है, कौन सा ये अब वो का है। अभी मस्त एंजॉय किए, सहराबाजी गुस्सा हो गई थी बट हाँ उसको मना लिया सलमान मुंह में ठूस ठूस के, हम भी ठूस दिए उसका मुंह में। तो गुस्सा हुई थी ना, उसको ज्यादा केक चाहिए था इसलिए, और यास्मीन लोग शायद कुछ कुछ बोली थी तो वो गुस्सा होकर चली गई। तो सलमान मस्त ठूस ठूस के खिलाया। अच्छा तो गई सलमान की तरफ से पार्टी है, हम लोग केक का पार्टी दिए सलमान को, सलमान हम लोग को पार्टी दे रहा पुलाव का और साथ में चिकन है ना भाई। हाँ ये सलमान की तरफ से पार्टी, तो चलिए अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं जिसमें पुलाव और चिकन है। तो बस अरे बिरयानी नहीं बनवाया, अरे बिरयानी क्या खाएगा, देखो पुलाव खाने से गैस हो जाता है। देखो इतना खाओगे। हाँ खा ली, इसमें ई रहता है देख लेना। क्या रहता है? हड्डी उड्डी रहता है, हड्डी हड्डी रहता है पुलाव में, पुलाव में हड्डी रहता है, गोश्त में हड्डी नहीं रहता। तो कैसे गोश्त खाएगा? सांप का गोश्त बनाएंगे क्या बिना हड्डी वाला? मछली थोड़ी जिस काना गड़ जाएगा। सांप का गोश्त बनाओ मैं बिना हड्डी का। देखो चावल दे। नहीं नहीं चलो ये रह गई चिकन, तो चलिए फटाफट से अभी खा लेते हैं। चिकन खाता बट एक आदमी चिकन नहीं खाती है, मतलब सारा वाजी उसके लिए ना गाइस पनीर बनाए और हम लोग पनीर भी ले लिए। ये है गाइस शाही पनीर, चलिए अभी फटाफट से पनीर खाते हैं। कितना खाएगा चावल देखो? अरे तेरा कैसा चावल है रे? यही खाएगा। अच्छा इसका उल्टी हो रहा ना। अरे हम लोग का चावल देखिए गाइस इतना मस्त, इसका चावल देखिए पूरा पानी वाला गाइस उसका तबीयत खराब हो गया, पूरा उल्टी कर रहा है। गोसो इतनी ज्यादा देता है इसको, इतना कम चिकन भी मिला गाइस इसको, कोई उल्टी करता है रात को 2 बजे। चलो खाते मस्त खाना पीना खाए, आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। और गाइस डांस वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि रमजान चल रहा है ना, अब ईद के बाद जो भी डांस वगैरह हुआ सब कुछ होगा, गाना वगैरह सब कुछ ईद के बाद ही बताया जाता है, रमजान में बस इबादत होता है गाइस इसलिए डांस वगैरह नहीं किए। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और ब्लॉग पसंद आया फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ गाइस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।